पूरी दुनिया में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव कहीं हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं ले जा रहा है, और लोग इस बात को लेकर के भी चकित हैं कि आखिर ईरान अमेरिका से डरता क्यों नहीं, आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण ईरान अभी भी बहुत मजबूती के साथ अपने पैर जमा कर रखा हुआ है और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है, बल्कि लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है। सबसे पहले हमको पिछले कुछ महीनों की तरफ पीछे लौटना होगा, जब ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनी पे चेतावनी दे रहा था और ये कह रहा था कि अमेरिका में हिम्मत हो तो युद्ध करके देखो। और इसी बीच हमने ये भी देखा कि किस तरह से सऊदी अरब में जो सबसे बड़ी उनकी तेल रिफाइनरी है अरेमाको, वहाँ पर हमला होता है ड्रोन से और उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा यमन में विद्रोही सक्रिय होते हैं, वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कहा जाता है कि ईरान कहीं ना कहीं उसके पीछे है। इसके साथ साथ केवल यही नहीं, इराक में बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के खिलाफ और अमेरिकी बेस के खिलाफ वहाँ पे एक पूरा का पूरा विद्रोह और विद्रोही पनप रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनको ईरान का प्रश्रय मिला हुआ है। तो ये बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि खाड़ी देश में ईरान लगातार पर्दे के पीछे से बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो अमेरिका और अमेरिकी मित्र देशों को नुकसान पहुंचाने वाला है या पीड़ा देने वाला है। और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब में जब तेल रिफाइनरी पे बड़ा हमला हुआ और उसके बाद इधर उधर खाड़ी देशों में अमेरिका को लेकर के जब विद्रोह पनपना शुरू हुआ, तो उसमें अमेरिका ने एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाई और उसको ये लगातार एहसास हो रहा था कि इस सारे जो विद्रोह खाड़ी के देशों में चल रहा है, अमेरिका के खिलाफ जो तमाम नाराज़गी फैल रही है, सऊदी अरब पर जो हमला हो रहा है, उसके पीछे ईरान में अगर कोई शख्स है तो वो शख्स उनकी कुछ सेना का कमांडर सुलेमानी है। और तभी से पिछले एक महीने या दो महीने की कड़ी तैयारी के बाद अमेरिका सुलेमानी को मॉनिटर करता है और अपने ड्रोन से उसको मरवा देता है। इसके तुरंत बाद ईरान इराक में जो अमेरिकी दो बड़े अमेरिकी बेस हैं वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता है। तो आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण ईरान अभी भी सीना तान करके खड़ा है और ये मैसेज भेज रहा है कि हम अमेरिका से नहीं डरते। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी ताकत है जो ईरान को इतना ताकत दे रही है, ईरान को हमेशा इस तरह से खड़ा कर रही है कि वो ये जता रहा है कि अमेरिका से नहीं डरता। दो तीन चार वजह हैं। एक तो दुनिया भर में जो सियाह हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और दुनिया भर में सियाओं की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो 20 करोड़ के आसपास है। ये पूरे मुल्क में फैले हुए हैं और जब भी ईरान पर कुछ होता है तो पूरी दुनिया में ये सियाह विरोध में खड़े जाते हैं और इसका एक असर भी पड़ता है। तो और वो सियाह कहीं ना कहीं से मानते हैं और दुनिया भर के पूरे जो मुस्लिम सियाह ये मानते हैं कि उनका जो असली धार्मिक केंद्र है, जो उनकी असली धार्मिक ताकत है, वो ईरान से आती है। तो ईरान के कॉन्फिडेंस का एक बड़ा कारण ये हुआ। दूसरे, आज ही इस बात की भी रिपोर्ट्स आई है कि ईरान पे जहाँ पे एटॉमिक पावर सेंटर है वहाँ पे भूकंप जैसा कुछ महसूस किया गया है। हालांकि ये केवल अटकल है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान ने इसी बीच में कुछ अपने परमाणिक हथियारों का परीक्षण किया है और जिसके कारण ये भूकंप जैसा जो कंपन है ये महसूस किया गया है। अरसे से ये बात कही जाती रही है कि ईरान ने पिछले कुछ महीनों में अपने जो परमाणु रिएक्टर हैं उनसे जो यूरेनियम का परिष्करण है उसको काफ़ी तेज कर दिया है और वो परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है। उसके पास परमाणु हथियार हैं या नहीं हैं इसके बारे में कोई भी मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकता है, लेकिन ये कहा जाता रहा है कि उसने कुछ परमाणु बम बनाए हैं और कुछ उसने अपने ऐसे वेपन्स तैयार किए हैं जो इन परमाणु हथियारों से लैस हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी संहारक क्षमता है। और उसको इसके लिए जो तमाम टेक्नोलॉजी है उसके लिए रसिया का नाम आता है, चाइना का नाम आता है, पाकिस्तान का नाम आता है, उत्तर कोरिया का नाम आता है। कहीं ना कहीं ईरान के पूरे सैन्य प्रोग्राम में या ईरान की जो उन्नत सैन्य टेक्नोलॉजी है, पिछले 10 साल में ईरान की जो सैन्य टेक्नोलॉजी है, हथियारों की जो टेक्नोलॉजी है, बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उसके पीछे कहीं ना कहीं इन सारे देशों का हाथ है। ये भी पिछले दिनों कहा गया कि ईरान के पास कोई एक ऐसा गुप्त इलेक्ट्रॉनिक हथियार है जो एक बड़ी तबाही मचा सकता है और खाड़ी में निश्चित रूप से अगर वो इस हथियार का इस्तेमाल करता है तो बड़ी तबाही होगी और जिसका असर पूरे के पूरे तेल व्यापार पर पड़ना है। नंबर दो चीज़। नंबर तीन चीज़ जो ईरान के बारे में और ज़्यादा कही जाती है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिस पर पूरी दुनिया हैरान भी है, वो है उसका ड्रोन का जखीरा।
ईरान ने पिछले दिनों अपने ड्रोन पर बहुत काम किया है और उसके पास ऐसे ड्रोन हैं जो लगातार 1200 से 2000 किलोमीटर की यात्रा चुपचाप कर सकते हैं, बिना रुके कर सकते हैं, और ये ऐसे हैं जिनको दूर बैठ करके कंट्रोल किया जा सकता है। और इनकी जो संहारक क्षमता है ये बहुत ज़्यादा है। ये अपने साथ बम ले आ सकते हैं, ये अपने साथ परमाणु हथियार ले आ सकते हैं, और ये कहा जाता है कि ईरान के पास ऐसे ड्रोन कम से कम 2000 से लेकर के 5000 के बीच में है। और ये माना जाता है कि जितने ड्रोन ईरान के पास हैं उतने बहुत कम देशों के पास होंगे। ईरान ने पिछले दिनों लगातार ड्रोन पे बहुत काम किया है और ड्रोन उनकी बहुत बड़ी ताकत है। पिछले कुछ समय से उन्होंने जहां कहीं हमले किए हैं, चाहे वो खाड़ी देश में तेल के टैंकर्स पर हमला हो, चाहे वो अमेरिकी जहाज़ों पर हमला हो, या गल्फ की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों के ऊपर हमला हो, या सऊदी अरब के अरेमाको फैक्ट्री पर हमला हो, वो इसे ड्रोन से किया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत मजबूत हैं। और सबसे बड़ी बात जो ईरान के साथ कही जाती है वो ये कही जाती है कि उनकी सैन्य क्षमता निश्चित रूप से अमेरिका के आगे बहुत कमज़ोर हो सकती है, लेकिन गुरिल्ला युद्ध के तौर पर या छिपे युद्ध के तौर पर वो बहुत मजबूत हैं। और गुरिल्ला युद्ध की अगर हम बात करें तो उसमें ईरान बहुत मजबूत है, और पिछले कुछ दिनों में ईरान ने पूरी दुनिया को इस बात का एहसास बखूबी दिलाया है कि किस तरह से वो तमाम देशों में प्रॉक्सी वार छेड़े हुए हैं, और छोटे छोटे उसके जो लड़ाकू हैं या विद्रोही हैं वो उनको तैयार कर रहा है और उनकी मदद से वो अपना काम कर रहा है। और सबसे आखिरी बात जो जा रही है वो बात यह है कि इतिहास ये बताता है कि ईरानी योद्धा वाकई बड़े मजबूत होते हैं। निश्चित रूप से अमेरिका के सामने कमज़ोर होंगे, लेकिन अगर लड़ने की बात आएगी तो वो लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन स्थिति जिस तरह से संजीदा होती जा रही है उसमें यह भी लग रहा है कि मामला बहुत आगे बढ़ गया है, और ईरान को भी ये लग रहा है कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान उसको ही होना है। और इसीलिए अब ईरान इस बात की बातें करने लगा है। पहली बार उसने इस बात की बात की है कि तनाव को कम किया जाना चाहिए और इसमें किसी मध्यस्थ को सामने आना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने एक खास रिपोर्ट पेश करेंगे। hindinews18.com के डिजिटल प्राइम टाइम को देखते रहिए, उस पर रात ठीक 9 बजे ये रिपोर्ट आपके सामने आएगी। आपकी राय का इंतजार रहेगा।